अपने असरदार चुनावी प्रबंधन के दम पर कई पार्टियों को सत्ता के सिंहासन पर बैठाने वाले प्रशांत किशोर क्या वाकई में बिहार के सारे सियासी समीकरणों को उलट पलट कर रख देंगे? अपनी जन सुराज यात्रा में तो प्रशांत किशोर ऐसा ही दावा करते आ रहे हैं, और इन दावों में कितना दम है ये बहस का मुद्दा हो सकता है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि प्रशांत किशोर के इस अभियान ने बिहार के सियासी दलों में हलचल मचा दी है। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर आरजेडी के जगदानंद सिंह को चेतावनी भरा खत अपनी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं को क्यों लिखना पड़ता? उन्होंने पार्टी के नेताओं को क्या कुछ पत्र में लिखा है ये बताने से पहले आपको बता दें कि जन सुराज ने इस पत्र को सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया और उन्होंने कहा कि सबसे मजबूत दल होने का दावा करने वाली आरजेडी की घबराहट देखिए, बेचारे अपने दल में मची अफरा तफरी और आरजेडी छोड़कर जाने वाले नेताओं को रोकने के लिए अपने ही नेताओं और कार्यकर्ताओं को धमकी दे रहे हैं। भय और अपराध की राजनीति इनकी फितरत है। पहले बिहार की जनता को छोड़ा नहीं और अब दल के कार्यकर्ता और नेता छोड़ नहीं रहे हैं और उन्हें धमकी दिया जा रहा है। अब सवाल उठा कि आरजेडी के जगदानंद सिंह ने चेतावनी भरा खत में आखिर क्या लिखा? आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने जो खत पार्टी नेताओं को लिखा है उसमें प्रशांत किशोर की जन सुराज यात्रा से दूर रखने की सख्त हिदायत दी गई है। खत में साफ साफ लिखा गया है कि अगर पार्टी का कोई भी नेता कार्यकर्ता अगर जन सुराज में सहयोग करता है और उसके खिलाफ समुचित कार्रवाई की जाएगी अगर वो शामिल हुआ तो। जगदानंद सिंह ने अपने खत में इस बात पर चिंता जाहिर की है कि आरजेडी के कार्यकर्ता जन सुराज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, मतलब शामिल हो रहे हैं, और इस डर से उन्होंने आगे लिखा कि प्रिय साथियों, आए दिन प्रायः सभी दलों में ऐसा देखने को मिला है कि हमारी पार्टी के कार्यकर्ता या नेता जन सुराज में सहयोगी या सदस्य बन रहे हैं, जो कि चिंता का विषय है। प्रशांत किशोर के बारे में भी उन्होंने आगे लिखा, बीजेपी की बी टीम को बताया। उन्होंने अपने आगे खत में लिखते हैं कि विदित हो कि जन सुराज पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है जिसके संस्थापक प्रशांत किशोर उर्फ पीके हैं, और उन्होंने ये भी लिखा कि प्रशांत किशोर पांडे जी हैं। यही पार्टी बीजेपी और देश के धर्मावलंबी लोगों द्वारा संचालित और वित्तीय पोषित है, अर्थात बीजेपी की बी टीम जन सुराज है। कार्रवाई की चेतावनी दी और उन्होंने जगदानंद सिंह ने ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी देते हुए आगे अपने खत में लिखते हैं कि प्रशांत किशोर की मंशा बीजेपी के शक्ति को बढ़ावा देने की है। जन साथियों को आदरणीय लालू प्रसाद का सामाजिक न्याय और सांप्रदायिक सौहार्द और बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, महात्मा गांधी, डॉक्टर पेरियार, महात्मा ज्योतिराव फूले, जननायक कर्पूरी ठाकुर, लोकनायक जयप्रकाश नारायण के विचारों से वास्ता है, जो कि दल विरोधी काम न करे और हमेशा आरजेडी के साथ रहे। तो इस बार जनता उनको ऐसा नीचे उतारेगी कि कुछ बतियाने भर नहीं रहेंगे। तो मैं आपको पहले अग्रिम बधाई दे देता हूं, सही नियत से किया गया काम कभी प्रयास खाली नहीं जाता है। अगर भाजपा को बड़ी बहुमत आ जाता तो एक बार को नीतीश जी का कहानी खत्म करके अपना आदमी बैठा सकता था। फिर जनता को लगता भाई नया नया मुख्यमंत्री कोई बना है, इसको मौका दिया जाए, जन सुराज को काहे सोचा जाए। लेकिन देखिए, आपके परिश्रम, आपके ईमानदारी की ताकत ऐसी व्यवस्था बन गई है कि नीतीश बाबू रहेंगे, बहुत बढ़िया है। और जनता पहले कह दे भैया कुछ हो जाए 25 के बाद नीतीश नहीं चाहिए। फिर से क्लियर बताइए, इनके गाना पे इतना जोर से बोल रहे थे, 25 के बाद नीतीश कुमार चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? क्योंकि बिहार से बाहर हम लोग को मजदूरी करने नहीं जाना है। अब इनके मायने समझिए, जगदानंद सिंह के खत के मायने क्या है। जगदानंद सिंह के इस खत के बाद ये बात पूरी तरह से साफ हो गई है कि बिहार में जनसुराज यात्रा की धमक बढ़ रही है। आरजेडी को निष्ठावान कार्यकर्ताओं की पार्टी माना जाता है, ऐसे में आरजेडी के नेताओं कार्यकर्ताओं को जनसुराज से जोड़ना इस बात का गंभीर संकेत है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर बड़ी सियासी ताकत के रूप में उभर सकते हैं। इस बात का दावा प्रशांत किशोर खुद भी
करते आए हैं, क्योंकि अभी तक लोकसभा चुनाव में प्रशांत किशोर की पार्टी ने हाथ नहीं आजमाया। यह पहली बार है जब पद यात्रा करने के बाद प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी का ऐलान किया है और साथ में कहा है कि बिहार में विधानसभा के चुनाव लड़ेंगे। हालांकि जीत हार का विषय तो चुनाव होने के बाद परिणाम आने से ही पता चलेगा, लेकिन अगर पिछले चुनाव के समीकरणों को अगर देखा जाए, 2020 के विधानसभा चुनाव के समीकरणों को, तो बिहार विधानसभा में 243 सीटें, सरकार बनाने के लिए 122 सीटों की जरूरत होती है, मतलब कि बहुमत के आंकड़े 122 सीटें होनी चाहिए तभी बिहार में कोई भी पार्टी अपनी सरकार बना सकती है। पिछली बार गठबंधन में बीजेपी के साथ जेडीयू भी थी और एनडीए ने 125 सीटें जीती थी, महागठबंधन को 110 सीटें मिली थी, जेडीयू को 43 सीटें मिली थी, बीजेपी को 74 सीटें मिली थी और आरजेडी को 75 सीटें मिली थी बिहार विधानसभा में। यही बात 2015 में देखें तो 2015 में आरजेडी ने 80 सीटें और बीजेपी ने 53 सीटें जीती थी। उसके बाद बीच में उलटफेर भी हुआ, नीतीश कुमार आरजेडी के साथ भी गए, महागठबंधन के कुछ दिन सरकारें भी चली, करीब करीब 22 में 18 महीने की सरकार चली, उसके बाद फिर नीतीश कुमार पाला बदलकर एनडीए के साथ चले गए, लोकसभा चुनाव भी एनडीए के साथ लड़े हैं और अभी भी एनडीए के साथ नीतीश कुमार डटे हुए हैं। कहा यह भी जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव में भी नीतीश कुमार साथ रहेंगे एनडीए के और मिलकर चुनाव लड़ेंगे। वहीं इंडिया गठबंधन, आरजेडी, कांग्रेस और सीपीआई, ये सारी पार्टियां महागठबंधन के तहत विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। लेकिन ये देखना दिलचस्प ये होगा कि इस बीच में जनसुराज पार्टी की भी एंट्री हो गई है, तो फिर बिहार में क्या कुछ नया समीकरण 2025 के विधानसभा चुनाव में देखने को मिलता है। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।